वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। हमने आपसे 2-3 घंटे पहले आपको बताया था कि शालर्त आईडी को लेकर और बाकी जो भी मतलब मांगनी रखी गई थी, जो भी आंदोलन 17 तारीख से रखा गया था, तो उससे लेकर जो है कुछ 6-7-8-9 चीज़ें करीब करीब वहाँ पर जो है मांगनी मान्य की गई है। उसमें से लेकर सबसे जो अहम मुद्दा था वो शालर्त आईडी का था और उसको लेकर एक ऑफिशियल लेटर अभी अभी हमारे पास में आया है। जैसा कि आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, 18 अगस्त 2023 का ये लेटर है और ये जो भेजा गया है वो किशोर जी दराडे विधान परिषद सदस्य नासिक इनको भेजा गया है। और आप सब लोग जानते हैं कि किशोर जी दराडे जो है ये आंदोलन में इन्होंने जो आंदोलन रखा गया था उसको अब हम एक तरीके से कहेंगे कि कामयाबी मिल चुकी है। और विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रलंबित शालर्त आईडी निकाली काटने बाबत, यहाँ पर इसका विषय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी पेंडिंग शालर्त आईडी है उसको निकाली काटने के बारे में यहाँ पर बात बताया जा रहा है। मतलब वो शालर्त आईडी जो जिन जिन टीचर्स के शालर्त आईडी पेंडिंग है नासिक डिवीज़न की हम बात कर रहे हैं तो उनको शालर्त आईडी देने के बारे में 20 दिन के अंदर जो है पूरी की पूरी प्रोसेस करने की बात इस पत्र में कही गई है। हम तफसील से इस वीडियो में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पीडीएफ को अगर आप हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको ये पत्र देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम फटाफट आगे का मामला जानते हैं, पूरा मामला किस तरीके से। यहाँ पर आपने संदर्भ नंबर वगैरह देख लेना है, पुणे ये थे प्रलंबित मांगनेसाठी आयोजित धरने आंदोलन, ठीक है, ये इसका संदर्भ दिया गया है। और बताया जा रहा है कि उपर्युक्त विषयन्वय अपनास कळविण्यात येते की दिनांक 17-8-2023 रोजी पुणे येथे शिक्षकांच्या विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते। हे आपल्याला सर्वांना माहित आहे की 17 ऑगस्ट 2023 पासून पुणे येथे धरणे आंदोलन आयोजित केले होते। या संदर्भात माननीय आयुक्त यांच्या समवेत विविध प्रश्नांच्या बाबतीत सविस्तर प्रकरणी चर्चा करण्यात आली। त्यानुषंगाने नाशिक विभागातील प्रलंबित सर्व शालर्त आयडी निकाली काढण्याच्या संदर्भ माननीय आयुक्त यांनी निर्देश दिलेले आहे। तो यहाँ पर साफ साफ उल्लेख किया जा रहा है कि माननीय जो शिक्षण आयुक्त हमारे उन्होंने ये निर्देश दिया है कि जो शालर्त आयडी पेंडिंग शालर्त आयडी है उसका मार्ग लगाने की बात यहाँ पर वो कर रहे हैं। मतलब शालर्त आयडी देने की बात, शालर्त आयडी की प्रोसेस करने की बात यहाँ पर वो कर रहे हैं। और आगे बताया जा रहा है कि नाशिक विभागातील शिक्षण उपसंचालक व विभागीय अध्यक्ष यांच्या स्तरावरील प्रलंबित सर्व शालर्त आयडी प्रकरणाने 20 दिवसांमध्ये निकाली काढण्यात येतील व त्या संदर्भातील सविस्तर अहवाल माननीय आयुक्त व माननीय शिक्षक आमदार यांना सादर करण्यात येईल। तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने चीज़ें बताई गई कि जो भी प्रलंबित शालर्त आईडी है, चाहे वो फिर उपसंचालक स्तर पे हो या विभागीय अध्यक्ष स्तर पे हो, तो तमाम शालर्त आईडी जो भी है वो 20 डेज में जो है इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस करके अहवाल सादर करना है। ये यहाँ पर अहम होता है कि शिक्षण आयुक्त इनको अहवाल सादर करना है, साथ ही साथ जो है शिक्षक आमदार इनको अहवाल सादर करना है। इस तरीके से ये पत्र निर्गमित किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो भी है हमारे विभागीय अध्यक्ष चौहान साहब, इनके सिग्नेचर से ये पत्र यहाँ पर भेजा गया है। और तमाम चीज़ें शालर्त आईडी को लेकर अब ऑफिशियल पत्र जिसको हम कहेंगे वो हमारे सामने आ चुका है। इसके पहले हमने आपको थोड़ी देर पहले वीडियोस में बताया था कि किस तरीके से शालर्त आईडी का जो भी मामला था वो पूरा करने की बात 21 दिन में की जा रही थी, लेकिन इस पत्र में ये ऑफिशियल पत्र हम इसको कह सकते और इसमें बताया जा रहा है कि 20 दिन में जो है शालर्त आईडी के जो पेंडिंग काम है उसको पूरा करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बेहतर लगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका शालर्त से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। इस पीडीएफ को हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम में से आप इसको ज्वाइन कर इसको हासिल कर सकते हैं।